जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्नी चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि 1D एरे आखिर क्या होता है, यानी कि 1D एरे आखिर क्या होता है और किस तरीके से आप उस एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरीके से आप 1D एरे को यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम 1D एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। दोस्तों, बिना किसी समय बर्बादी के अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोकल वेरिएबल में पढ़ते थे, एक नॉर्मल वेरिएबल में, कि अगर एक वेरिएबल हमारा किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ, यानी कि वह लोकल वेरिएबल है, ठीक है, तो उसके बाई डिफॉल्ट जो वैल्यू होती थी वह एक गार्बेज वैल्यू होती थी, यानी कि वह बाई डिफॉल्ट एक गार्बेज वैल्यू को होल्ड करता था। और हमने पढ़ा था कि अगर वह वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल होता था, यानी किसी फंक्शन से बाहर डिक्लेयर होता था और उसको हम किसी फंक्शन के अंदर यूज करते थे, यानी कि वह ग्लोबल हो जाता था, तो वह ग्लोबल वेरिएबल हमेशा स्टैटिक वैल्यू यूज करता था, यानी कि वह जीरो यूज करता था। या फिर हमने पढ़ा था कि अगर हम लोकल वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर स्टैटिक कीवर्ड के साथ उसे डिक्लेयर करते हैं, यानी कि उस वेरिएबल को स्टैटिक बना देते हैं, तो इसका मतलब वह जो वैल्यू होल्ड करेगा बाय डिफॉल्ट जीरो करेगा। और इसी प्रकार अगर आपका वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल है तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक वेरिएबल होता है और वह जीरो ही होल्ड करता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू। तो अगर हम बात करते हैं एरे की, तो एरे भी आपका सेम ही काम करता है, यानी कि अगर एरे आपका डिक्लेयर किया गया है इधर, सपोज आपने लिखा इंट एरे और एरे का साइज 5, तो इसके जो बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स, जो 5 एलिमेंट ये होल्ड करेगा, ये इंटीजर टाइप के जो 5 एलिमेंट होल्ड करेगा, वह सभी गार्बेज वैल्यू फिलहाल होल्ड कर रहे हैं, यानी कि उन सभी एलिमेंट्स की जो वैल्यूज हैं, उन सभी एड्रेस पर, 5 जो एड्रेस आपके पास हैं उन पर जो वैल्यू है वह गार्बेज वैल्यू है। पर अगर आप यही एरे ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं तो यह है आपकी 5ों वैल्यूज जीरो से इनिशियलाइज हो जाती है। आपके यहाँ जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यह है कि बाय डिफॉल्ट जीरो से इनिशियलाइज हो चुकी है। इसके एलिमेंट्स की वैल्यू जीरो होंगी, इसके एलिमेंट्स की वैल्यू गार्बेज होगी, क्योंकि ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वह हमारा ग्लोबली है डिक्लेयर, और ये नीचे वाला जो हमारा लोकली डिक्लेयर किया गया। अगर हम नीचे वाले को डिक्लेयर करने से पहले स्टैटिक लिख देते हैं तो इसका मतलब यह स्टैटिक हो गया है, तो स्टैटिक का मतलब यह है कि जो बाई डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करेगा अपने एलिमेंट में वह जीरो होगी, और ऊपर वाला जो हमारा ग्लोबली है वह बाई डिफॉल्ट स्टैटिक होता ही है। तो आप इसे लिखिए या मत लिखिए, वह पहले से स्टैटिक है और इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वह जीरो ही होगी। दोस्तों, जैसे कि हमने लोकल वेरिएबल में पढ़ा था कि अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं एक वेरिएबल ए और हम उसे सीधे इनिशियलाइज करना चाहते हैं डिक्लेरेशन टाइम पर, तो हम उसे कर सकते थे। तो हम लिखते थे इंट ए और सीधे उसमें इनिशियलाइज कर देते थे वैल्यू, यानी कि इस तरीके से। तो वहीं अगर हम एक एरे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहते हैं डिक्लेरेशन टाइम पर, तो उसे किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे उसका डाटा टाइप, एरे नेम, उसका साइज और इक्वल साइन, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करने के बाद हम यहाँ करेंगे कर्ली ब्रैकेट यूज, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम 5 वैल्यूज लिखते जाएंगे और हर वैल्यूज को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, यानी कि पहला एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वह 1 होगी, दूसरे की 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, और ये सब कर्ली लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट ऑफ कीजिए, क्लोज कीजिए, उसके बाद सेमीकोलन। तो यह जो आपने किया है काम, वह कहलाता है आपका डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, यानी कि एक एरे आपका बना, इसकी मेमोरी साइज है आपका 5, इंटीजर टाइप होल्ड करेगा वह, तो पहले का साइज है, आप एड्रेस है आपका एरे 0 1, क्योंकि एरे आपका बाय डिफॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होता है, उसका फर्स्ट एलिमेंट 2, एरे 3, एरे 4, ये 5 एलिमेंट आपके इस एरे में होंगे, ये 5 मेमोरी बनेगी, और इसमें पहला जो एलिमेंट जाएगा 0 पर वह जाएगा 1, 1 पर जाएगा 2, 2 पर जाएगा 3, 3 पर जाएगा 4 और 4 पर जाएगा 5, ये कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज हो जाएगी। आप लिख रहे हैं एक एरे, उसका साइज, और आप उसमें एलिमेंट दे रहे हैं 1 2 3 4 5, तो इस समय आप चाहें तो एरे का साइज नहीं लिख सकते। जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया था,
फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में कि आपको एरे का साइज बताना ही पड़ता था कंपाइलर को, क्योंकि वह डिक्लेरेशन टाइम पर ही मेमोरी एलोकेट करता है एक एरे को। पर यहां मैं आपको उल्टा बोल रहा हूँ, यहां मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिक्लेरेशन टाइम पर आप चाहें तो यहां पर साइज नहीं लिख सकते, पर केवल तब जब आप डिक्लेरेशन टाइम पर उस एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो अगर आप डिक्लेरेशन टाइम पर उस एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो आपको साइज देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट आपके उस इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट में लिखे होंगे उतना ही ये साइज मान लेता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट आपने इसमें यूज किए हुए हैं तो बाई डिफॉल्ट कंपाइलर यहाँ पर 5 मान लेगा। दोस्तों सपोज कीजिए आपने एक लोकल एरे डिक्लेयर किया, इंट एरे, उसका साइज दिया आपने 5 और इनिशियलाइजर मतलब दोस्तों आप जैसे वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, और अगर आप यहाँ पर वैल्यूज लिखते हैं 1, 2 और ये, तो ये आपके इनिशियलाइजर कहलाते हैं। तो आपने ऐसे इनिशियलाइजर लिखे, पर आपने 5 साइज का एक एरे दिया है और उसमें आपने 5 एलिमेंट इनिशियलाइज नहीं करके बल्कि आपने 2 ही एलिमेंट इनिशियलाइजर ऐसे इनिशियलाइजर आपने यूज किए और उसके बाद आपने ये डिक्लेरेशन बंद कर दी, तो ये एरर नहीं है, यह एकदम चलेगा। पर उस समय आप देखेंगे कि इसमें 5 एलिमेंट आ सकते थे पर आपने सिर्फ 2 ही एलिमेंट दिए और बाकी एलिमेंट पर आपने जगह नहीं दी, तो आप सोचेंगे कि ऐसे में बाकी जो एलिमेंट है वे गार्बेज वैल्यू ही होल्ड करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि लोकल अगर एरे है और वह डिक्लेयर हुआ है और उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब उसमें गार्बेज वैल्यू बाय डिफॉल्ट है। तो ऐसे में आप सोचेंगे कि 5 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट इसमें इनिशियलाइज कर रहे हैं तो बाकी के जो 3 एलिमेंट बचे उसको भी गार्बेज वैल्यू ही लेंगे, पर ऐसा नहीं होगा। बाकी के जितने भी एलिमेंट बचेंगे वह सभी 0 से इनिशियलाइज हो गए अगर आप डिक्लेरेशन टाइप पर इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं एक एरे को। तो मेरी बात को याद रखिए, एक एरे को एक लोकल वेरिएबल हो या फिर ग्लोबल वेरिएबल हो, आप इस तरीके से उससे इनिशियलाइज करते हैं डिक्लेरेशन टाइम पर और आप उसके साइज से कम एलिमेंट उसमें देते हैं इनिशियलाइज करते हैं, तो बाकी के जितने भी एलिमेंट बचे वह 0 से बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो जाते हैं, यानी कि आपके पास एक एरे का साइज है। तो दोस्तों 0 एलिमेंट हो गया आपका 1, 1th एलिमेंट हो गया आपका 2 और बाकी के जो 3 एलिमेंट बचे यहां पहुंचेगी वैल्यू 0, 0, 0, यहां गार्बेज वैल्यू नहीं पहुंचेगी। तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपको बहुत सारे एलिमेंट चाहिए और उनको आपको स्टैटिक भी नहीं बनाना उस एरे को और उनके सारे सारे जो एलिमेंट हैं उनको 0 से इनिशियलाइज करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक एरे को लीजिए, डिक्लेयर कीजिए, उसको जितना भी साइज देना, सपोज 50 साइज देना है, उसके कोई भी एक एलिमेंट यानी कि एक एलिमेंट को 0 कर दीजिए। तो ऐसे में आपका एरे भी स्टैटिक नहीं हुआ, एरे भी आपका ग्लोबल नहीं हुआ, सिर्फ लोकल ही रहा और उसके अंदर सारी वैल्यू 0 हो गई। क्यों? क्योंकि ये पहले एलिमेंट यानी कि एरे 0 की वैल्यू तो 0 होगी, ठीक है, और बाकी जो एरे आपका 49 तक चलेगा, ठीक है, उन सब में भी 0 हो जाएगा क्योंकि आपने इनिशियलाइजर उसके बाद कुछ नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट उनके अंदर भी 0 ही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप डिक्लेरेशन टाइम पर एरे का साइज 5 देते हैं और उसको इनिशियलाइजर यूज करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट तो उसमें आप देते ही देते हैं, साथ में आप उसमें कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट देते हैं, तो ऐसे में मैंने आपको बताया था कि अगर एरे के साइज से ऊपर हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आउट ऑफ बाउंड की एक एरर होती है जिसे रन टाइम एरर बोलते हैं सी के हिसाब से, क्योंकि सी हमें एरे में इस तरह की एरर नहीं शो करता है। बाकी अदर लैंग्वेजेस में लाइक जावा और अदर लैंग्वेजेस में उसमें हमारे एरे आउट ऑफ बाउंड का एक एरे होता है, पर सी में हमारा ऐसा कोई एरर नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये एरे, अगर आप थोड़ी देर के लिए इस इनिशियलाइजर को भूल जाएं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं सपोज प्रिंट एफ में परसेंटेज टी और आप एक्सेस करना चाहते हैं 6 को, तो ये कुछ और वैल्यू दिखा सकता है, 0 दिखा सकता है, गार्बेज वैल्यू दिखा सकता है, पर ये यूज हो जाता है, एरर नहीं दिखाता है, पर वह रन टाइम एक एरर होता ही है। पर इधर आप अगर देखेंगे तो ये एक एरे शो करेगा, पर अगर आप ऐसा करते हैं उसकी लिमिट से ज्यादा डिक्लेरेशन टाइम पर अगर आप इनिशियलाइजर यूज कर रहे हैं और उसकी लिमिट से ज्यादा आप और एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें यूज करते हैं डिक्लेरेशन टाइम पर, तो यह है एक एरर आपको शो कर देगा। दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो हम क्या करते थे, एक लोकल वेरिएबल यूज करते थे, एक लोकल नॉर्मल वेरिएबल हमने यहाँ लिया इंट ए,
एक और हमने एक वेरिएबल लिया बी, और अगर हम इनिशियलाइज करना चाहते थे सपोज इसे एक को हमने डिक्लेरेशन टाइम पर इनिशियलाइज कर दिया 5 से, और अगर हम बी को असाइन करते थे एक की वैल्यू, तो ये हमारे परफेक्टली चलता था। पर वहीं अगर हमारे पास एक एरे है 5 और इसको अंदर हमने इनिशियलाइज किया हुआ है कुछ वैल्यूज, ठीक है, और अगर हमारे पास एक और एरे है एरे बी, ठीक है, और इसके साइज भी हमने 5 दे दिए पर हमने इसमें कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया, तो ऐसे में हो सकता है कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो कि एरे बी लिखकर उसमें इनिशियलाइज कर देते हम पहले एरे की वैल्यूज को, ठीक है, या आप ये भी मत लगाइए। तो आप सोचेंगे ये चलना चाहिए और ये जो 1 2 3 है यह इस एरे के अंदर हो जाना चाहिए, इस एलिमेंट के भी पार्ट इस एरे के एलिमेंट हो जाने चाहिए, तो ये ऐसा नहीं होगा। आप इस तरीके से एक वेरिएबल एक एरे को नहीं इनिशियलाइज कर सकते। पर वहीं अगर आप इस तरीके से लिखते हैं इंट, आपने एक एरे बनाया और आपने उसमें कुछ वैल्यूज दे दी 1 2 3 4 जो भी देना चाहें, और एक कॉमा नहीं है लास्ट में, ठीक है, कॉमा नहीं है लास्ट में, तो कर्ली ब्रैकेट बंद करने के बाद आपने सेमीकोलन से बंद किया और आपने यहाँ लिख दिया इंट बी और उसका दे दिया साइज 5, पर आप वैसे ही इनिशियलाइज करना चाहते हैं जैसे कि लोकल वेरिएबल में करते थे, असाइन करते थे, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर बी एरे में किस पोजीशन पे, आप बी एरे के फर्स्ट एलिमेंट को आप ए एरे के फर्स्ट एलिमेंट से इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो उस समय यह परफेक्टली चलेगा। और अगर आप सारे वेरिएबल्स को एक एरे के अंदर इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो उस समय आपको एक लूप का यूज करना पड़ेगा, तो वह लूप कोई भी हो सकता है, व्हाइल लूप हो सकता है, व्हाइल लूप हो सकता है, फॉर लूप हो सकता है। तो जैसे कि अगर सपोज कीजिए आप फॉर लूप का यूज करते हैं तो आप लिखते हैं फॉर एक अदर एलिमेंट लेते हैं लोकल वेरिएबल जिसको आप 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं, आई सपोज कीजिए इंट आई, एक लोकल वेरिएबल लिया आपने और आपके पास एक एरे है, एरे जिसका साइज है 5, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन टू एरे का साइज, एरे का साइज है आपका 5, तो 5, ठीक है, और आई प्लस प्लस, क्योंकि लूप मैंने आपको समझा दिया तो आशा करता हूँ आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लूप में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उस पर मैंने सारे लूप्स पढ़े हुए हैं। तो फॉर लूप के अंदर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि बी आई इक्वल ए आई, यानी कि ए से मतलब है यहाँ पर एरे, जो भी आपका एरे का नेम है, मेरे ऊपर एरे लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं एरे आई, तो इस समय ये परफेक्टली काम करेगा। बी के सारे एलिमेंट में अगर आप पर एक और एरे होता हमारे पास बी नाम का, तो बी के जितने भी एलिमेंट्स, जितना भी आई आपको चलेगा, उतने एलिमेंट में ए के उतने ही एलिमेंट इसमें असाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर इस वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, यानी कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मुझे कोई पर्सनली क्वेश्चन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।